बिहार की राजधानी पटना के लोगों के लिए गुड न्यूज है। दीघा से लेकर एम्स गोलंबर तक सिटी बसें चलेगी। परिवहन विभाग ने 17 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को बस सेवा के लिए चुना है। इससे गरीब मरीजों को एम्स आने जाने में बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक एम्स जाने के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं थी। लोगों को जाम और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खासकर गरीब मरीजों को बहुत दिक्कत होती थी। नई बस सेवा से दीघा, गांधी मैदान और पटना सिटी से एम्स की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। परिवहन विभाग ने इस रूट पर बस चलाने के प्रस्ताव को सार्वजनिक कर दिया है। लोगों से 21 अक्टूबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है। इसके बाद आधारिक तौर पर इस रूट पर बस सेवा शुरू हो जाएगी। दीघा से एम्स के बीच बस सेवा शुरू होने से 3 बड़े अस्पतालों को फायदा होगा। एम्स, PMCH और NMCH जाने वाले मरीजों को आसानी होगी। इससे उनका समय भी बचेगा। इसके अलावा दीघा से आर ब्लॉक के बीच भी सिटी बस सेवा शुरू करने की योजना है। इससे मरीजों को रेलवे स्टेशन जाने में भी सुविधा होगी। यह बस इस महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। इस रूट पर कंगन घाट से JP गंगा पथ और अटल पथ होते हुए बसें चलेगी। परिवहन विभाग जल्द ही इन नए रूटों पर बस स्टॉप की घोषणा करेगा। दीघा और एम्स में कहां कहां बस रुकेगी यह अभी तय नहीं है। लोगों से मिले सुझावों के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। इससे पहले परिवहन विभाग ने कंगन घाट से आर ब्लॉक तक अप और डाउन दोनों रूटों पर सिटी बसों के परिचालन का फैसला किया था।